हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनोमेट्रिक हेड के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने समझाई हुई है, ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके पहले देख सकते हैं वो वाली वीडियो, फिर आप यहां पे आ सकते हैं। तो देखिए मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशन है, तो पहली डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन है द मैनोमेट्रिक हेड इज द एक्चुअल हेड अगेंस्ट विच द पंप हैज टू वर्क। इसका मतलब है कि पंप को एक्चुअल में कितने हेड पे वर्क करना है, कितने हेड के अगेंस्ट वर्क करना है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि हम हेड को डिफाइन करेंगे। यहां पे देखिए सेक्शन हेड हमारे पास होता है, ये आई होती है इसकी, ये इंपेलर है पंप का और ये आउटर केसिंग है और ये सेंटर से ही लेके यहां तक का जहां से सक्शन करनी है उसको, उसके डिफरेंस को कहते हैं सक्शन हेड, और जहां तक डिलीवरी करनी है उसको हम कहते हैं डिलीवरी हेड। तो हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड जो होता है वो हम प्लस करते हैं, एक तो सक्शन हेड और मैनोमेट्रिक हेड में दूसरा हमारे पास डिस्चार्ज हेड। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या देखना पड़ता है कि सक्शन पाइप के अंदर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन के लॉसेस भी आएंगे। तो हेड लॉस है ये प्लस इसके साथ होना है, सक्शन पाइप में जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, तो सक्शन पाइप में फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं वो प्लस करना है। प्लस हमने एक करना है डिस्चार्ज पाइप में भी तो लॉसेस हैं, तो वो डिस्चार्ज पाइप में भी फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हैं वो प्लस करना है। और प्लस होगा तीसरी टर्म हमारे पास जो इसमें हम काइनेटिक हेड बढ़ा रहे हैं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी तो दे रहे हैं ना, तो काइनेटिक हेड जो बढ़ रहा है वो भी इसमें प्लस होगा, तो वी स्क्वायर बाय 2g ये भी। तो ये सब जुड़ने के बाद हम क्या बोल देते हैं इसे, मैनोमेट्रिक हेड। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी डेफिनेशन इसकी है वर्क डन पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर माइनस लॉसेस विद इन द इंपेलर। देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमने अलग डेफिनेशन, कई बार हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप में अलग अलग आ जाते, तो हमें सब वे से इसको देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हम ये एनर्जी देते हैं, वाटर को एनर्जी देते हैं, वाटर को जितनी एनर्जी देंगे उसमें से माइनस कर देना है हमने लॉसेस, तो वो लॉसेस माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड आ जाएगा। एक ये भी तरीका है हम मैनोमेट्रिक हेड को समझ सकते हैं। फोर्थ डेफिनेशन जो इसकी है वो है एनर्जी पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर एट द आउटलेट ऑफ इंपेलर माइनस एनर्जी पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर एट द इनलेट ऑफ इंपेलर। हमने ये देखना है कि इंपेलर में इनलेट पे कितनी एनर्जी थी और आउटलेट पे कितनी एनर्जी है, तो उनको हम माइनस कर देंगे, वो जब माइनस होगा तो हमारे पास ने क्या निकल आएगा, उसका मैनोमेट्रिक हेड निकल आएगा। तो ये अलग अलग वे है जिससे हम डेफिनेशन इसकी समझ सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, इसमें हम एफिशिएंसी देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अलग अलग कौन कौन सी एफिशिएंसी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।